कैची था गाना, याद हो जाने वाला गाना है, क्योंकि उनके ना एक तो लिरिक्स भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं, जो उनकी राइमिंग रहती है, जो उनकी वर्ड्स रहती है, गाने को वो कैची बनाता है और वो गाना याद भी रह जाता है. एंड नो डाउट इन दैट, बहुत सही साउंड कर रहा था. चैनल रिएक्शन देखो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुका है, पहले ही मेंशन कर देती हूँ. और इंस्टाग्राम पे रिएक्शन में मैंने ना गाने के बारे में कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मुझे था कि गाने के बारे में मैं रिव्यू में बात करने वाली, जो कि यूट्यूब पर अपलोड होगा. रिएक्शन यूट्यूब पर अपलोड इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि रिएक्शन ब्लॉक हो जाता है स्पीड रिकॉर्ड्स की तरफ से. एंड कुछ लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था, बोल रहे थे कि तेरा ही ऐसे एकदम ऐसे बदतमीजी से कि तेरा ही ब्लॉक होता है, तो रिएक्शन करना ही नहीं चाहती है. ठीक है जी, थैंक यू. इज देयर एनी लॉजिक, कोई लॉजिक है आपकी बात में, मैं क्यों नहीं करूंगी रिएक्शन? हजार बार एक बात बोल चुकी हूं कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी भी आर्टिस्ट से. भाई अगर कोई लेबल ब्लॉक कर देता तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना. बट यार गाने के बारे में बात करते हैं, छोड़ो इन सब बातों को, ये तो चलता रहता है. कहती रहते हैं लोग कुछ ना कुछ, अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा कहेंगे तब भी करेंगे, तो हमको तो वही करना चाहिए जो हमें करना है. ऑलराइट, गाने के बारे में बात करते हैं. गाने का टाइटल है क्लिक दैट बीट किक इन, एट बाय करण औजला फ्रॉम द एल्बम बीडीए इफ यू दैट इज बैक द फक अप. इस गाने में हम लोग को पहले से ही पता चल चुका था कि म्यूजिक कैसा होने वाला है ना, एक तरीके से एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी. तो इस गाने को लेके ना इसकी हर चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो जरा कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, समझ लो अभी जरा इस रिव्यू के लिए मैं आप लोग की थोड़ी सी टीचर बन जाती हूँ, मतलब टीचर वाली वाइब लेना मत, ठीक है? जस्ट ऐसी बता रही हूँ कि थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो आप लोग को भी मेरा रिव्यू जानने में वो हो जाएगा कि किस किस चीज की मैं बात कर रही हूँ. अगर मैं मिक्स बात करूंगी ना, सब चीज के बारे में मिक्स बात करती हूँ जैसे जनरली मैं, तो वैसे मजा सा नहीं आता. लिरिक्स इस गाने के बिल्कुल एकदम उस तरीके के थे जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन हमारी करण औजला से रहती है हमेशा, कि जब भी वो आएंगे अपना कुछ लिखा हुआ हमें देंगे तो धमाल मचेगा. भाई सच में फू फा हो गई इस गाने में ना, जो एक 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 एक्सेप्टेंस वाला फील आया ना, जब उन्होंने बोला कि भाई सिर फाड़े भी और सिर फड़वाए भी बहुत है हमने, तो वहां पे मानी गई बात कि अगर भाई लड़ाई झगड़े किए हैं, दूसरों का नुकसान किया है, तो अपना भी बहुत करवाए और भी बहुत सारी चीजें. जैसे इसकी जो सिग्नेचर लाइन थी कि कच्चे मकान वाले जो दियार है, जो कच्चे मकान वाले दोस्त है मेरे, लेकिन जो हमारी यारी है जट की यारी एकदम पक्की जुबान वाली है. तो यारों के बारे में बात की जा रही थी प्रॉपर इस गाने में, कहाँ कहाँ यारों ने स्टैंड लिया, क्या क्या किया जिंदगी में, कितने कितनी लड़कियों के दिल भी तोड़े, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं इस गाने में. तो यारियों को लेकर ये गाना सर्कुलेट हो रहा था, यारी दोस्ती इन सारी चीज़ों पर हो रहा था, किस तरीके से लड़कों में स्पेशली लड़ाई झगड़े सारी चीजें अन्ना की गई सारी चीजें रहती हैं. सिंगिंग की मैं बात करूंगी तो ऑब्वियसली करण औजला, इन्होंने अपने आप को रैपर ज्यादा कहा है, सिंगर कम कहा है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं, ये हम लोग जानते हैं. कॉम्पोजिशन की मैं बात करूंगी तो कॉम्पोजिशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि इस गाने का कॉम्पोजिशन मतलब ऐसा कुछ यूनिक नहीं था, बट इट वॉज नाइस. कैची था गाना, याद हो जाने वाला गाना है, क्योंकि उनके ना एक तो लिरिक्स भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं, जो उनकी राइमिंग रहती है, जो उनकी वर्ड्स रहती है, गाने को वो कैची बनाता है और वो गाना याद भी रह जाता है. एंड नो डाउट इन दैट, बहुत सही साउंड कर रहा था. अब मैं गाने की डायरेक्शन के बारे में बात करूंगी, जो शॉट्स जो वाइब क्रिएट की जा रही थी शॉट्स के साथ, दैट लो एंगल उनके आसपास सर्कुलेट होना, उनके पैर वाला शॉट जो उनको और पावरफुल दिखा रहा था, जो वो हिप हॉप और पंजाबी दोनों काइंड की, मतलब दोनों टाइप की वाइब को क्रिएट किया जा रहा था इस वीडियो में. तो मैं ये कहूंगी कि वो वाली वाइब तो हमको आ गई शॉट से, बट हाँ जो मिक्स वाली वाइब चाहिए थी ना पंजाबी वाली, उनको म्यूजिक से आ रही थी. एंड म्यूजिक भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ पंजाबी म्यूजिक चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हिप हॉप टच भी था, विच वॉज मेकिंग द सॉन्ग सो यूनिक. मतलब मुझे तो म्यूजिक बहुत पसंद आया इसका. मैं ऐसे मतलब ऐसे भी नहीं होता था कि वी कैन डू प्रॉपर भांगड़ा ऑन दिस सॉन्ग, और ऐसा भी नहीं होता कि ठीक है वी कैन यू नो जस्ट ऐसे हम लोग बैठ के उस पर चिल मार सकते हैं या उसको गाड़ी वाड़ी में सुन सकते हैं. तो मिक्स वाइब, मतलब मिक्स सा साउंड कर रहा था म्यूजिक भी. सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे इस गाने की एडिटिंग, लाइट्स और लिरिक्स, मतलब ये तीन चीजें मेरे लिए टॉप पे है, लिरिक्स एडिटिंग और लाइट्स. हर तरीके की लाइट प्लस डार्कनेस,
का जो एक कॉम्बिनेशन था, जैसे हमको गाड़ियों के पीछे जो हेडलाइट्स ब्लू कलर की जल रही थी हमको उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और आगे एकदम डार्कनेस थी एंड सिर्फ करण औजला के फेस पर लाइट पड़ रही थी और जो आसपास लोग थे थोड़ा बहुत उनके चेहरे पर लाइट पड़ रही थी। ब्लू, वार्म वाइट, व्हाइट, ग्रीन, मतलब हमको ऑलमोस्ट सब कलर्स की लाइट प्लस डार्कनेस, ये सारी चीज का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था, दैट वॉज सो यूनिक। मुझे लाइटिंग के साथ जो क्रिएटिविटी की गई मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई इस गाने में। एंड मैं इस गाने की एडिटिंग के बारे में बात करूँ तो जो वो तीन चार जगह में वो शॉट था, आई थिंक तीन जगह पे था, जब वो नीचे से उनका शॉट लिया जाता है और ऊपर कुछ होता है तो वो एकदम सर्कुलेट होता है, फास्ट में जाता है और एक ट्रांजिशन से वो हटता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और साथ ही इसमें हमको एक एनिमल वापस से करण औजला के वीडियो में देखने को मिला। सांप था वो, कोई कौन से किस्म का सांप था ये मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो एडिटिंग से डाला गया या वो असली में डाला गया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने शेक गाने पे, आई डोंट रिमेम्बर कौन से गाने पे रिएक्शन किया था, उसमें टाइगर असली था, उन्होंने दुबई के किसी शेक का टाइगर लिया था, एंड ये सांप का मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं लगता असली होगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक दिख रहा था। एंड ओवरऑल चुगोंडू जो आया था उसमें एक्सपेक्टेशन जो बहुत ज़्यादा थी तो हल्की सी ऐसे हो गई थी, बट इस गाने ने वापस से बार हाई कर दिए हैं एंड बहुत मज़ा आया इस गाने को सुन के। मैंने यही महसूस किया हर चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग कितना अग्री करते हो मुझसे या मेरी बातों में कितना कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, वेलकम है आप सबके कॉमेंट्स का, एकदम दिल से, बदतमीजी मत करना, बाकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एकदम एक्सेप्ट है दिल से, जो लिखो प्यार से, मतलब इंसान गाली भी देते ना प्यार से तो सही जाती है, अभी तुम ऐसे प्यार वाली बात भी गुस्से से बोलोगे तो दिमाग खराब हो जाता है, होता है ना। हाँ, सो यस, दैट वॉज माई रिव्यू। लाइक मैंने एडिटिंग के बारे में बात कर ली, परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। कुछ हुक स्टेप्स है, मिडिल फिंगर दिखाना, ऐसे ऐसे करना, तो ये तो कुछ हुक स्टेप्स है जो हमको हर पंजाबी आर्टिस्ट की तरह से देखने को मिलते हैं, ऐसे करने वाला होता है ये तो बहुत बहुत, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसे ऐसे हाथ मलते हुए देखा है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत करते हैं बड़े स्वाद के साथ। इंटरनेशनल प्लस पंजाबी वाइब हमको मिली है इस गाने से, एंड पंजाबी पार्ट वॉज डोमिनेंट ऑडियो में, इंटरनेशनल पार्ट वॉज डोमिनेंट वीडियो में। Yes, that was my review on Click That Be Kickin' It. Yes, thank you so much for watching this review. क्या कहना चाहते हो बता देना comments में यार. Thank you so much for watching this video. Do subscribe the channel, hit the bell icon. Video पसंद आया तो इसे like करना मत भूलना.